हम देश भर में देख रहे हैं एक कोरोना पेंडेमिक दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, लगातार एक के बाद एक लोगों की बीमारी हो रही है, डेथ हो रही है देश भर में। हम लोग हालात देख रहे हैं, इतना बुरा हालात हो रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट तो पूरे के पूरे फेल हो चुका है। इसी सिलसिले में गुलबर्गा में ह्यूमन एड ऑर्गेनाइजेशन जो है, सारे यूथ्स मिलके एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार ये लोग टीम बना के दिन और रात में मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी कॉल कर रहे थे, हम लोगों को भी जरूरत है। बहुत सारे हमारे वॉलेंटियर्स पैंडेमिक में अफेक्टेड है, हमारे जो नजर में जो लोग है कॉमन पीपल वो लोग भी अफेक्टेड है, प्लीज हमारी मदद कीजिए बोल के हम कॉल करें तो विद इन आवर दे रेस्पॉन्ड वेरी वेल एंड दे गिवन अस टू द ऑक्सीजन एंड बहुत सारे मदद कर रहे हैं। हम लोग आज देख रहे हैं हम मोर देन 40 ए ऑक्सीमीटर्स हम विलेजेस में जाके देने के लिए वो लोग हमको फ्री में ए ऑक्सीमीटर्स डोनेट कर रहे हैं। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी और इस जो भी टीम है वो लोग और ज्यादा लोगों का मदद करें ये चाहूंगी। उन लोगों का नाइन टीम बना है, उसमें से जिन लोगों की बेड की जरूरत है, जिन लोगों की फूड की जरूरत है, जिन लोगों की ऑक्सीजन की जरूरत है, वो सभी जो जरूरतें पूरे कर रहे हैं वो लोग मिलके इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही आगे बढ़े बोल के हम विश कर रहे हैं। और जो इन लोगों तक पहुंच रहे हैं ये काम बहुत अच्छा काम है। गवर्नमेंट कुछ दे के इसको और जो भी इन लोगों का डिमांड है वो जल्द से जल्द इसको पूरा करे बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑक्सीमीटर एंड थैंक यू सो मच फॉर द पीपल्स जो आप लोग काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसे कि आप सभी जानते हैं गुलबर्गा हेडलाइंस पे लाइव अगर हमने बताया था कि हमने इतने ऑक्सीमीटर मंगाए हैं और इसमें से कुछ ऑक्सीमीटर हम गांव देहात में देंगे क्योंकि वहां पे डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं होती है, उतना स्टाफ नहीं होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं सीए एनआरसी हो या गुलबर्गे के कोई भी प्रोटेस्ट हो उसमें इन लोगों की टीम हमेशा खांदा बा खांदा लगा के हमारे साथ चली है। तो आज इनके हैंडओवर में ऑक्सीमीटर किए जा रहे हैं। ये गांव गांव देहात देहात में जो एक्टिव इनके मेंबर्स हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो अपना टाइम देकर जिन लोगों को भी सांस लेने की प्रॉब्लम है, एक्स वाई जेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वे घर जाकर उनका सैचुरेशन चेक करेंगे, उनका एसपीओटू चेक करेंगे, उसके बाद उनकी जो आगे की अगर वो इनसे इन्फेक्टेड है, कोविड-19 पेंडेमिक जो चल रहा है उससे अगर वो इन्फेक्टेड है तो उनका इलाज, फिर डॉक्टर की टीम जैसे कि गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन की जो पूरे लिस्ट बनी है, फिर वो डॉक्टर से उनसे कंसल्ट किया जाएगा। इंशाल्लाह जितना हो सके उतना हम लोग मिलके उन गरीबों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों से भी दुआ करूं कि आप उनके बेहतर हेल्थ के लिए दुआ करें।